हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। ज्योग्राफी ऑप्शनल में हम लोग आज देखने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर, और वो भी हम लोग देखेंगे पेपर टू इंडियन ज्योग्राफी का। और इसमें जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया हुआ है दैट इज फिजियोग्राफी, ड्रेनेज, क्लाइमेट, सॉयल और उससे रिलेटेड जो वेजिटेशन है, तो इतना डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। और इसी डिस्कशन को बेसिकली हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, क्या कुछ पूछा गया इन आवर पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड हाउ टू राइट आंसर्स। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट, दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्रीलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन, जिसमें करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज और ज्योग्राफी ऑप्शनल के टेस्ट सीरीज अवेलेबल एंड यू कैन सब्सक्राइब इट। क्वेश्चन में आ जाए तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो ये है कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ रेगुलर ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया। देखिए, जैसे कई लोग टेस्ट सीरीज में भी जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं उन लोगों की आंसर कॉपी भी अगर मैं थोड़ा सा अगर आप लोगों को बताऊं तो देखिए ये लोग भी लिखते हैं, बट देयर इज अगेन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इन द टेस्ट सीरीज ऑल्सो। हमेशा हम लोग यही बोलते हैं कि स्ट्रक्चरिंग पे वर्क करिए, और यहाँ पर भी वही चीज सिखाई जाती है स्ट्रक्चरिंग को लेकर के, जो कि अभी मैं आप लोगों को बताने आ रहा हूं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर राइटिंग एनी आंसर। तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां पर देखिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन में लोकेट करना होता है कि कीवर्ड क्या है। तो यहां पर देखिए तीन चीजें कीवर्ड है, वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंड प्रोडक्टिविटी और तीसरा रेगुलर ब्लैक सॉइल। तो हमें बेसिकली ब्लैक सॉइल हमारा कॉन्टेक्स्ट है, दिस इज द ब्लैक सॉइल, हमारा ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। इसमें हमें दो चीजें बतानी है, एक बतानी है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स या जिसे आप प्रॉपर्टीज के नाम से भी बोल सकते हैं, दूसरा बताना है इसमें प्रोडक्टिविटी इसकी क्या है, कि इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी क्या काम किया जा सकता है। तो यहां पर अगर क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो यहां पर कहीं पर भी ये नहीं पूछा हुआ है कि ब्लैक सॉइल बनता कैसे है, तो फॉर्मेशन के बारे में कहीं पर भी नहीं पूछा गया है, तो आपको लिखना भी नहीं है। तो फिर कैसे लिखा जाए, देखिए आपको इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिखना होता है। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है। इंट्रोडक्शन में एक छोटा सा टेक्निक मैं आपको डे वन से बताते रह रहा हूं कि जब भी इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे कि ये क्या चीज है, और अगर क्या चीज है पूछा जाए तो आप बताएंगे इसकी प्रोडक्टिविटी और इसका इंपॉर्टेंस से रिलेटेड। तो यहां पर क्या पूछा गया है, पूछा गया है ये वाली चीज की प्रोडक्टिविटी या कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है। आप स्टार्ट करेंगे फॉर्मेशन से लेकर के, तो इंट्रोडक्शन आपकी क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन। यहां पर आप लिखेंगे फॉर्मेशन के बारे में, कैसे बताएंगे कि ब्लैक सॉइल इज बेसिकली ऑफ लावा और मैग्मेटिक ओरिजिन विच हैज बीन डेवलप्ड विद द टाइम When Indian Peninsula went over through with the Reunion Island या Reunion Hotspot, from there it got magmatic material which with the time developed and with the development this black soil came into picture। तो इस तरीके से आप बेसिकली यहाँ की जो magmatic eruption है इसके बारे में आप बता देंगे। तो बहुत ही छोटा सा आपको लिखना होता है, छोटा सा नाम लिख लेंगे तो रीयूनियन आइलैंड वगैरह के बारे में या रीयूनियन हॉटस्पॉट के बारे में आप लिख देंगे यहां पर, ठीक है। हमेशा अपने जो भी आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं उसको कंसाइज करने की जरूरत है। कैसे आप कंसाइज करेंगे, टेक्निकल वर्ड का यूज करके। ये टेक्निकल वर्ड ज्योग्राफी के यूज करने हैं आपको, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए ये टेक्निकल वर्ड यूज करना, जैसे मैग्मेटिक इरप्शन हो गया, रीयूनियन हॉटस्पॉट हो गया, ठीक है, डिपोजिशन, इरोजन, इस तरीके के टेक्निकल वर्ड होते हैं जिनको आपको यूज करना होता है, क्लियर। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में आप इस तरीके से लिख देंगे। अब आ जाएगी मेन बॉडी, मेन बॉडी में अब आप क्या करेंगे, अब आप बता देंगे इंडिया में ब्लैक सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो पहले आप बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएंगे, और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ एक इंडिया का मैप बनाना है, और उसी इंडिया के मैप में आपको ब्लैक सॉइल के रीजन को लोकेट कर देना है। जैसे अब इसमें भी जरूरी नहीं है कि आप पूरे इंडिया का बनाइए, आप केवल और केवल पेनिनसुलर इंडिया का मैप बना दीजिए इस तरीके से, और आप दिखा दीजिए कि ये जो रीजन है, दिस रीजन इज बेसिकली ब्लैक सॉइल रीजन। तो यहां पर आप दिखा दिया कि आपने ब्लैक सॉइल का रीजन है, दिस इज द ब्लैक सॉइल रीजन, ठीक है।
तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए दिखाया गया केवल कि एक कनेक्टिविटी मेंटेन रहे, तो कनेक्टिविटी का सीन केवल रहता है यहां पर। फिर इसके बाद से आप आ जाएंगे इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो मेन क्वेश्चन है। तो अब आप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटेल में बताना शुरू कर देंगे वन बाय वन करके, 1, 2, 3, 4 जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आप इसकी वाटर रिटेंशन के बारे में बता सकते हैं, फिर वाटर अवेलेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं। वाटर अवेलेबिलिटी, ये दो चीजें बेसिकली हो जाएंगी, एक तो पोरोसिटी को लेकर के हो जाएगा और दूसरा कितना इसमें वाटर की रिटेंशन पावर रहेगी, ठीक है। फिर आप बता देंगे इसमें कि इसकी एनपीके रेशियो क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से इसमें ह्यूमस कितना होता है, फिर साथ ही साथ में आप बता देंगे इसकी क्या प्रोडक्टिव, मतलब कॉटन कल्टिवेशन के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू डिस्क्राइब हियर। ये चीज आप लिख देंगे, इसके बाद से आप आ जाएंगे प्रोडक्टिविटी पे। इस प्रोडक्टिविटी में आप बेसिकली सबसे पहले ये बताएंगे कि आखिर में यहां पर कौन कौन सी क्रॉप्स लगाई जा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर क्रॉपिंग के लिए एक तो कॉटन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, टोबैको काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा राइस कल्टिवेशन इज इंपॉर्टेंट थिंग हियर, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस दिस ऑयल सीड हो गया, पल्सेस हो गया, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, दीज आर द थिंग्स एक्सेट्रा। प्रोडक्टिविटी में फिर आपको थोड़ा सा स्टेटस भी दिखाना पड़ेगा, इसके लिए आप यहां की यील्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखिए कि कितना इंपॉर्टेंट है, बस यही चीज यहां पर लिखने होगी, दैट्स ऑल, यहां पर काम खत्म हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहां पर है डिस्कस द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मॉनसून विद स्पेशल एम्फसाइज ऑन कॉजेटिव फैक्टर्स। अगेन इसकी स्ट्रक्चरिंग देखिए, स्ट्रक्चरिंग में यहां पर देखिए कीवर्ड क्या है, कीवर्ड मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर लिया है, एक है इंडियन मॉनसून, दूसरा जो है वो ये है कि इसको बताना इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स यानी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है और बताना है कि आखिर में इसके कॉजेस क्या है, दीज आर द कॉजेटिव फैक्टर्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको यह दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी अगर आप देखेंगे तो व्हाट आर द फैक्टर्स Responsible for uneven distribution of rainfall in India. Actually, ये दोनों question related नहीं है, वो केवल और केवल rainfall से related है, इस वजह से एक जगह पर लिख दिया गया है। तो इसकी मैं structuring बता देता हूँ, because content तो आप already जान चुके हैं और content के लिए already मैंने आप लोगों को बाकी के videos भी बना करके दिखाया हुआ है। आपको बस करना यहाँ पर यही होता है, चीजें समझनी होती है एंड स्ट्रक्चरिंग समझ करके फिर अल्टीमेटली आप आंसर खुद ही लिख सकते हैं। तो अगेन मैंने क्या बताया अभी, इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखने के लिए अगर क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा होगा तो आप इसका फॉर्मेशन बता देंगे, तो फॉर्मेशन आप बताएंगे इंडियन मॉनसून का, तो आप यहां पर इंडियन मॉनसून का फॉर्मेशन बनाएंगे किस तरीके से कि ITCZ मूव कर जाती है या शिफ्ट कर जाती है, बिकॉज ऑफ द शिफ्ट प्रेशर बेल्ट जो होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं, प्रेशर बेल्ट के शिफ्ट होने के कारण से जो साउथ ईस्ट या फिर कह लीजिए कि जो साउथ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स होती हैं दे मूव टुवर्ड्स इंडिया बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द कोरियोलिस फोर्स एंड अल्टीमेटली फॉर्म साउथ ईस्ट मॉनसूनल विंड्स। तो इस तरीके से बेसिकली इंडियन मॉनसून के फॉर्मेशन के बारे में आपने बता दिया। आप चाहे तो यहां पर कुछ थ्योरीज का नाम भी लिख सकते हैं, जो भी थ्योरीज आपको ध्यान में आए तो यू कैन ऑल्सो कोट थ्योरीज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर आप आ जाएंगे मेन बॉडी में। अब ये मेन बॉडी क्या चीज है, यहां पर मेन बॉडी क्वेश्चन जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो आप इसकी पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप बता देंगे। इन कैरेक्टरिस्टिक्स में आप कई सारी चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक जेट स्ट्रीम को भी इंक्लूड कर सकते हैं, फिर जेट स्ट्रीम के अलावा अपर ट्रोपोस्फेरिक एयर स्ट्रीम्स के बारे में भी आप बता सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 ITCZ एंड प्रेशर बेल्ट के बारे में बता सकते हैं, सबके सब इसकी प्रॉपर्टीज ही है, ठीक है, प्रेशर बेल्ट के बारे में बता सकते हैं। नाउ आप बता देंगे एरिया कि कहां कहां पर ये इंडियन मॉनसून जो होती है वो डेवलप हो रही होती है। तो इस तरीके से मल्टीपल थिंग्स आर देयर विच यू नीड टू डिस्कस हियर, समझ में आया क्या चीज है। इसके अलावा आपको एक मैप बनाना होगा, एक नहीं बल्कि दो मैप बनाना है। एक मैप बनाएंगे जहां पर आप दिखाएंगे मॉनसून डेवलपमेंट, किस तरीके से ये डेवलपमेंट हो रही है। यहां पर आप जेट स्ट्रीम को भी दिखा सकते हैं, अपर एयर सर्कुलेशन को भी दिखा सकते हैं, साथ ही साथ आप कहां कहां मॉनसून किस तरीके से जा रही है, लाइक साउथ ईस्ट मॉनसून बाइफर्केट होती है, वो सब आप कुछ यहां पर दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप बनाएंगे एक रेनफॉल का भी मैप,
जहां पर दिखाएंगे आपकी कौन सा एरिया कितना ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यही है कि आपको बेसिकली ये थ्योरीज के बारे में दिखाना पड़ेगा कि व्हाट ऑल आर थ्योरीज दैट इज रिलेटेड विद द इंडियन मॉनसून एंड इट्स डेवलपमेंट, ठीक है। तो एक तो आईटी सीजन वाली थ्योरी हो गई, इसके अलावा जितनी भी थ्योरीज हैं यू हैव टू कोट इट हियर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द अर्लियर वीडियोस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। जो अगला क्वेश्चन है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ठीक है। इससे रिलेटेड इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी पूछा गया है, आप लोगों ने देखा भी होगा जो लोग टेस्ट सीरीज वाले होंगे, तो इसी पे बेस्ड था। ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन जो होंगे वो पास्ट ईयर से तो टफ ही रहेंगे, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज कि आप जो है उस चीज को लेकर के ऑलरेडी मतलब जितना ज्यादा आप मेहनत कर सकते हैं मेहनत किए रहें ताकि जो क्वेश्चन हैं वो आसान आपको दिखना शुरू हो जाए। अब देखिए जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल है इसके बारे में क्या कहना है, यहां पर क्वेश्चन ये है कि फैक्टर्स के बारे में बताना है, तो आपको यहां पर बताना है फैक्टर्स के बारे में। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से हो गया फॉर्मेशन कि आखिर में बन कैसे रहा है। तो आप इंट्रोडक्शन में क्या शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन में आप यहां पर बता देंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हो गया कि रेनफॉल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन होने से क्या हो रहा है। तो बेसिकली यहां पर कंसीक्वेंस ऑफ व्हाट, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अब यहां पर आप क्या दिखाएंगे, यहां पर आप दिखा सकते हैं मल्टीपल चीजें, लाइक ड्रॉट दिखा सकते हैं कि सूखा पड़ गया है क्योंकि अगेन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हो रहा है। दूसरा फ्लड भी आप दिखा सकते हैं, लाइक असम में फ्लड हो गया, बिहार में फ्लड हो गया, इट इज अगेन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल, ठीक है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, ऑब्वियसली दिस क्लाइमेट चेंज ऑल्सो मेकिंग सम चेंजेस हियर। सैलिनिटी इन द ओशियन, ये भी अगेन प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वाटर अवेलेबिलिटी, तो खैर ड्रॉट में ही आप दिखा सकते हैं, दिस इज वाटर स्केर्सिटी या वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो बेसिकली ये वो चीजें हैं जो आप दिखा रहे होंगे कि दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हिच हैव अराइज बिकॉज ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब आप बता देंगे रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, एक आप मैप लगा देंगे, हर एक क्वेश्चन में आपको एक मैप, एक फिगर, एक फ्लो चार्ट बनाना ही बनाना है। अब आप रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन का एक यहां पर मैप लगा देंगे, इंडिया का मैप बना देंगे आप। इंडिया के मैप बनाने के बाद अल्टीमेटली आप यहां पर दिखा देंगे अल्टीमेटली कि कहां पर कितनी रेनफॉल होती है, ठीक है। इस तरीके से आपने जो भी दिखाना है दिखा देंगे। अब आप आ जाएंगे कि बट बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स देयर हैव बीन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेनफॉल हैव रिपोर्टेड। तो आप ये बेसिकली एक लाइन लिख देंगे, इसके बाद आप बता देंगे फॉलोइंग आर द फैक्टर्स। तो ये फॉलोइंग आर द फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वन क्या हो जाएगा, वन में आप आ जाएंगे, यहां पर लिख देंगे एल नीनो लानीना वाला सिस्टम, एल नीनो लानीना, इसको आप डिस्कस कर देंगे। फिर एनसो के बारे में बता देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से आप बता देंगे इंडियन ओशन डायपोल के बारे में, फिर एमजेओ मेडन जूलियन ऑसिलेशन। इन सबको बता देने के बाद अब आप ग्लोबल प्रॉब्लम में आ जाएंगे, एंड द ग्लोबल प्रॉब्लम इज व्हाट, ग्लोबल वार्मिंग, साथ ही साथ में क्लाइमेट चेंज। ये जो फैक्टर होगा ये एक्चुअली ज्यादा आपको डिस्कस नहीं करना है बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ वेरी जनरलाइज्ड थिंग, बट दीज फोर फैक्टर्स आर स्पेसिफिक टू इंडियन मॉनसून, तो इस वजह से यहां पर आप इन चीजों को दिखाएंगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द जेट स्ट्रीम की वीकनिंग, जेट स्ट्रीम वीकनिंग, ठीक है। यहां पर आप बता देंगे वी नो वेरी लेस अबाउट जेट स्ट्रीम, एंड जेट स्ट्रीम प्ले वेरी क्रूशियल रोल इन द मॉनसूनल डिस्ट्रीब्यूशन और मॉनसून डेवलपमेंट। तो ये बेसिकली यहां पर चीजें बता देंगे। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो कोट ओशियानिक करेंट्स ऑल्सो, बिकॉज इन द मेडागास्कर एंड सोमालियन करेंट दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉनसून इन द इंडियन पेनिनसुला। तो ये सारी चीजें बेसिकली आपको दिखानी है वन बाय वन करके, जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, क्लियर हो गया। अल्टीमेटली जब आप कंक्लूजन लिखेंगे, इन द कंक्लूजन यू विल शो अप अगेन द प्रॉब्लम्स विच हैव अराइज ड्यू टू दीज अन
इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल. क्लियर हो गया. दिखा देंगे आप ड्रॉट प्रॉब्लम, फ्लड प्रॉब्लम एंड द रिलेटेड प्रॉब्लम विच हैव अकर्ड बिकॉज ऑफ द दिस काइंड ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो ये बेसिकली आपको इस तरीके के क्वेश्चन में लिखना होगा. समझ में आ गया. आगे अगर देखेंगे तो अब है ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन पेनिनसुला. तो मेरे ख्याल से ये आपको बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर. अब आप समझ गए हैं कि बेसिकली इंट्रोडक्शन में क्या लिखना होगा. अब आप इंट्रोडक्शन में यहां पर लिखेंगे दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्वियसली ड्रेनेज डेवलपमेंट इन ड्रेनेज डेवलपमेंट के बारे में आप बता देंगे ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. ठीक है, जो भी आप चीजें जानते हैं लाइक टोपोग्राफी डेवलपमेंट हो गया. टोपोग्राफी डेवलपमेंट में ऑब्वियसली अगेन आपको यहां पर पेनिनसुलर इंडिया की जो रिलीफ फीचर्स है उसके बारे में आपको डिस्कस करना पड़ेगा. जैसे कि आपकी आर्कियन एज में कैसा था, फिर मिसोजोइक एरा में, फिर जो भी पैलियोलिथिक एरा में, जितनी डेवलपमेंट है वो सारी डेवलपमेंट यू हैव टू डिस्कस इट हियर इन अ शॉर्ट लाइंस या शॉर्ट वर्ड्स. मतलब कि आप समझ लीजिए कि 30 टू 40 वर्ड में यू हैव टू कंप्लीट इट. अब इसके बाद आप मूव कर जाएंगे बॉडी में एंड द बॉडी इज व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में आप वही बता देंगे दिस इज बेसिकली रेन फेड, रेनफॉल डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है. सेकेंड इसकी टोपोग्राफी के बारे में बता देंगे कि सम ऑफ द रिवर्स इन द इंडियन पेनिनसुला आर वेस्ट वर्ड फ्लोइंग एंड सम ऑफ द रिवर्स आर eastward flowing. Some of the river flow into the Arabian Sea and the, on the other hand eastern rivers flow in the towards the east, Bay of Bengal. ठीक है, फिर उसके बाद से वन साइड एस्चुरी फॉर्म होती है, सेकंड साइड जो होती है डेल्टा फॉर्म होती है. वेस्टवर्ड जो होती है वो एक तरीके से वाटरफॉल बना रही होती है, बट इन द ईस्टर्न रिवर्स दे डू नॉट फॉल एनी वाटरफॉल एंड नाइल लाइक दैट. एग्जाम्पल कोट करते हुए आप दिखा देंगे लाइक जॉग फॉल, गिरसोपा फॉल या जितने भी फॉल्स हैं वो आप यहाँ पर दिखा देंगे. एस्चुरी फॉर्मेशन वगैरह दिखा देंगे एंड ऑल दैट चीजें आप समझ गए हैं. कंटेंट यू हैव. अब इसके बाद से बस स्ट्रक्चरिंग आप समझ ही गए हैं. अब आपको लिख देना है यहां पर एक जो है आपको मैप इंक्लूड करना होगा एंड ऑब्वियसली इंडिया का मैप रहेगा वो. उस इंडिया के मैप में आप बता देंगे रिवर्स के बारे में. रिवर्स के बारे में आप अगेन केवल और केवल पेनिनसुलर इंडिया की ही रिवर्स दिखाएंगे, ये नहीं गंगा यमुना हिमालयन रिवर्स के बारे में बताएं. नो, दैट विल बी इररिलेवेंट. यू हैव टू जस्ट शो द पेनिनसुलर इंडियन रिवर्स बिकॉज दैट इज ओनली द क्वेश्चन इज आस्किंग. ठीक है, इन द यूपीएससी और स्टेट पीसीएस ज्योग्राफी ऑप्शनल यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज इन योर राइटिंग. आपको वही चीजें दिखानी है जो रिलेवेंट है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है. क्लियर हो गया. टेस्ट सीरीज में भी यही चीज होती है. सम ऑफ द स्टूडेंट्स एक्चुअली राइट व्हाट दे नो, दे डोंट इवन बॉदर व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज आस्किंग. तो इस वजह से थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने की जरूरत है. यही रीजन है ज्योग्राफी जो है वो लो स्कोरिंग में चला जाता है. अदरवाइज अगर आप सही से लिखेंगे, सही आंसर करेंगे, यू विल गेट गुड मार्क्स ऑब्वियसली. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया प्रेजेंट्स अ एग्जांपल ऑफ यूनिटी इन डायवर्सिटी. दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ हैज अ क्वेश्चन. ठीक है, और यही बोल रहा है कि आपको इंडिया के फिजिकल और ह्यूमन एस्पेक्ट के हिसाब से इसे लिखना है. देखिए, अब आप देखिए यहां पर बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं लाइक यूनिटी इन डाइवर्सिटी. मैं कहूंगा इस क्वेश्चन को लिखने से पहले आपको इसकी स्ट्रक्चरिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही इसके कई सारे डायमेंशन हो सकते हैं. जैसे यहां पर देखिए ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है दो पार्ट में बताना, वन इज द फिजिकल, सेकेंड इज द ह्यूमन एस्पेक्ट. तो आप आ जाइए फिजिकल एस्पेक्ट में एक साइड में तोड़ लीजिए और दूसरे साइड में ह्यूमन एस्पेक्ट में आप इसको तोड़ लीजिए. अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आप समझते जाइए कौन कौन से चैप्टर आपने पढ़ा है. सबसे पहले आप पढ़े हैं फिजियोग्राफी, तो आप फिजियोग्राफी लिख दीजिए. सेकंड आपने पढ़ा हुआ है क्लाइमेट, थर्ड आपने पढ़ा हुआ है ड्रेनेज, फोर्थ आपने पढ़ा हुआ है वॉट सॉयल, फिर आपने पढ़ा हुआ है वेजिटेशन, है ना, वेजिटेशन आपने पढ़ा हुआ है, तो ये आपने लिख लिया. इसके अलावा क्लाइमेट, क्लाइमेटोलॉजी हो ही गई है, ओशनोग्राफी का भी कुछ टॉपिक हो सकता है, ओशन के बारे में लिख सकते हैं, एंड देन अल्टीमेटली बायोजियोग्राफी के बारे में आप लिख सकते हैं. दिस इज द बायोजियोग्राफी थिंग. अभी मैंने इसमें कैटेगराइज नहीं किया है कि किस तरीके से यूनिटी और डाइवर्सिटी और क्या चीज है, बस मैंने पॉइंटिंग किया हुआ है. वन सेकेंड, दिस इज अ ओके, दिस इज अ पॉइंटिंग हियर. ठीक है, अब इसके बाद से अब देखिए फिजिकल में क्या लिख सकते हैं चीजों को देखते हैं. अब देखिए फिजियोग्राफी में जब आप आएंगे तो वी हैव माउंटेन, वी हैव प्लेटूज, वी हैव डेजर्ट्स, वी हैव प्लेन्स, वी हैव वैलीज. ठीक है, एंड वी हैव अनइवन टोपोग्राफी. अनइवन टोपोग्राफी
और इस तरीके से अगर आप इसको देखेंगे तो आप बोलेंगे दिस हैज इटसेल्फ अ डाइवर्सिटी बट इंडियन पेनिनसुला इन अ सिंगल वर्ड कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज डाइवर्स फीचर्स एंड दैट इज व्हाई वी कैन See it as a unity in diversity. तो आप यहां पर इनके दो दो लाइन लिख सकते हैं टू लाइन्स ईच के बारे में लिख करके आप अल्टीमेटली दिखा देंगे कि इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. नाउ द क्लाइमेट थिंग, यहां पर आप आ जाइए, यहां पर आप बता देंगे कि जब विंटर होती है तो विंटर में क्या होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है, काइंड ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं, और जब वही आपके समर का सीजन होता है तो शिफ्टिंग इन द प्रेशर बेल्ट होती है, फिर अल्टीमेटली और क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट हो रही होती हैं, एंड इन द सम पार्ट ऑफ द एरियाज सम ऑफ द एरिया गो ड्राई. तो अगेन इट इज अ एग्जांपल ऑफ व्हाट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बिकॉज होल इंडिया, जैसे इनफैक्ट राजस्थान के एरिया में आ जाइए, हर एक तरीके का वहां पर रीजन है, माउंटेन भी है, वैली भी है, प्लेन भी है, डेजर्ट भी है, हर तरीके का एरिया है. तो वहां पर आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो जाता है, एंड सेम थिंग इंडिया एज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी यहां पर भी आप बात कर सकते हैं. क्लियर हो गया क्या चीज है. ड्रेनेज में भी अगेन यहां बता देंगे कि वी हैव पेनिनसुलर रिवर्स, वी हैव हिमालयन रिवर्स, वी हैव एंटीसीडेंट रिवर्स, वी हैव रेनफेड रिवर्स, वी हैव ग्लेशियल रिवर्स. तो अगेन यहां पर भी बहुत सारी हो जाती हैं. इंटरनेशनल रिवर्स भी आप बता सकते हैं, जैसे आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई, इंडस हो गई, तो ये सब क्या इंटरनेशनल रिवर्स है. सॉइल में आप बता देंगे वी हैव नियरली ऑल काइंड ऑफ सॉइल विच इज प्रेजेंट इन द ग्लोबल वर्ल्ड. तो अगेन यहां पर भी आप बता देंगे कि हर तरीके की सॉइल है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. सिमिलरली वेजिटेशन, ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर बीइंग फाउंड इन द इंडियन पेनिनसुला, चाहे वो मैनग्रोव हो, चाहे एवरग्रीन फॉरेस्ट हो, चाहे कोई भी तरीके का फॉरेस्ट हो, हर चीज इंडिया में अवेलेबल है. ओशन में अगर बात कर लेंगे कि यहाँ पर सैलिनिटी के हिसाब से अगर देखेंगे, अरेबियन सी इज अ सैलाइन लेक बट बे ऑफ बंगाल रिलेटिवली लेस सैलाइन, एंड इंडियन ओशियन एक बड़ा हो जाता है, एक तरीके से बड़ा यूनिट हो गया. तो ये भी अगेन जो है कहीं ना कहीं इंडियन यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बता रहा होता है. बायोडाइवर्सिटी के बारे में, बायोजोग्राफी के बारे में अगेन बता सकते हैं. नीलगिरी हॉटस्पॉट रीजन के बारे में बता दीजिए, वेस्टर्न घाट. सिमिलरली अराकानियोमा हॉटस्पॉट है, हिमालयन रीजन हॉटस्पॉट है, ठीक है, अंडमान निकोबार हॉटस्पॉट है. तो ये वो एरियाज है जहां पर बायोडाइवर्स रीजन्स हैं, बट ये सारे के सारे इंटीग्रेट होकर के एक सिंगल यूनिट ऑफ इंडिया बनाते हैं, दैट इज वाई वी कैन नेम इट एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. समझ में आया क्या चीज है, क्लियर है. ये हुआ फिजिकल फैक्टर्स अभी केवल, अब तो ह्यूमन फैक्टर में आएंगे. ह्यूमन फैक्टर में आप क्या आ जाएंगे, यहाँ का जो एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी अगेन आप बता देंगे, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शियरी एक्टिविटी, सबका मिश्रण, सबका मिक्सचर ही इंडिया है. फिर आप बता देंगे यहाँ की पॉपुलेशन के बारे में, यहाँ की ट्राइब्स के बारे में, और ट्राइब्स में भी अगेन बताएंगे कि जो वर्ल्ड वाइड पाई जाती है वो सारी इंडिया में पाई जाती है, चाहे वो नेग्रिटो हो, चाहे वो आपकी अल्पाइन हो, चाहे मंगोलियन हो, चाहे कोई भी मेडिटेरेनियन हो, हर तरीके की ट्राइब इंडिया में पाई जाती है, और यहां से आप बोल सकते हैं इट इज अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. सेटलमेंट पैटर्न के बारे में आप बता सकते हैं कि यहाँ पर रिवर साइड में भी लोग रहते हैं, डेजर्ट में भी रहते हैं, डेंस पॉपुलेशन भी है, और एक तरीके से खाली पॉपुलेशन भी है, एकदम जहां पे कह लीजिए कि बहुत एक लेस डेंस पॉपुलेशन हो जाएगी. इसके अलावा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स भी हैं, आइसोलेटेड पीपल भी हैं, और एक तरफ क्या है, सोशल पीपल भी हैं. तो अगेन जो है, यू हैव टू जस्ट प्ले विद द वर्ड्स एंड प्ले विद द जो भी आपका सिलेबस ऑफ द ज्योग्राफी है. तो यही चीज पूरी इसमें लिखना है. तो इस क्वेश्चन में डिमेंशंस बहुत सारे हैं, बस यू हैव टू राइट अकॉर्डिंगली एंड यू हैव टू राइट ऑल द डिमेंशन. सब कुछ यहां पर लिखने की जरूरत है, आपको सब कुछ मिला करके लिखने की जरूरत है. समझ में आया क्या चीज है. इस क्वेश्चन को मैं कहूंगा कि आप लोग लिख करके ईमेल करिएगा recognitionis@gmail.com, एंड देखते हैं कौन सबसे बढ़िया आंसर लिख सकता है. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिलिनिएट द फ्लड प्रोन एरियाज ऑफ इंडिया बाय ड्रॉइंग ए स्केच मैप इन आंसर बुक एंड डिस्कस द कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ फ्लड. देखिए, इस आज के डेट में अगर बात करें 2020 या 2021 में ही बात कर लेते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कभी नहीं. क्यों, बहुत ही सिंपल है. पहली बात, सिंपल क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जा रहे हैं, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, स्केच मैप ऐसा करके अब आंसर बुक में ये सब नहीं लिखा जाता है. तीसरी चीज,
ये जब क्वेश्चन है वो मेरे ख्याल से 1990 या फिर 2014 मतलब 2014 से पहले का ही होगा ये, तो दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि इसमें मल्टीपल डिमेंशंस पूछे गए और ये डिमेंशन को 300 वर्ड में लिखना दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये नहीं करना है। अगर लिखेंगे भी तो ऑब्वियसली आंसर की क्वालिटी जो होती है वो खराब हो जाएगी। इन द क्वेश्चन, इन द रीसेंट ईयर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बहुत ही छोटी सी चीज एंड यू हैव टू राइट इट कॉम्प्रिहेंसिवली इन योर आंसर्स। तो यहां पर बल्कि तीन क्वेश्चन, खैर क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, यहां पर देख लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज द कैन बी द स्ट्रक्चरिंग। यहां पर बोला गया फ्लड प्रोन के लिए, तो फ्लड प्रोन आप स्टार्ट कर सकते हैं डिजास्टर की डेफिनेशन के साथ में। बता दीजिए कि डिजास्टर क्या होती है, समथिंग अनएक्सपेक्टेड इफ इट इज कमिंग देन इट इज कॉल्ड एज डिजास्टर। दिस डिजास्टर कैन बी ऑफ मल्टीपल टाइप, चाहे वो आपके अर्थक्वेक हो, चाहे फ्लड हो, चाहे ट्रॉपिकल साइक्लोन, कुछ भी हो, एनीथिंग, ठीक है। फिर आप आ जाइए फ्लड में, स्पेशली फ्लड आप बता दीजिए किस कारण से आते हैं, तो यहां पर कॉजेज आपके कवर हो जाएंगे। कॉजेज में आप बता देंगे रेनफॉल बहुत ज्यादा हो रही है मॉनसून के कारण से, लो प्रेशर डेवलप हो जाने के कारण से हो सकती है, इसके अलावा जो साइक्लोन्स हैं दे कैन ऑल्सो फ्लड द रीजियन, इसके अलावा जो टेम्परेट साइक्लोन्स होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है, दे पिकअप द रेन, पिकअप द वाटर वेपर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड फॉल एट आंध्रा कोस्ट एंड दैट इज वाई आंध्रा गेटिंग फ्लडेड। या बता देंगे असम के बारे में सेम चीज वही बता देंगे। तो यहाँ पर कॉजेज आर, नंबर ऑफ कॉजेज आर देयर। अब इसके बाद से आप कंसीक्वेंसेस पे आ जाएंगे। कंसीक्वेंसेस भी मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा ह्यूमन लॉस भी होता है और आपका इकोनॉमिक लॉस भी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर गेटिंग फ्लडेड, पीपल आर नॉट, पीपल आर, पीपल हैव टू वैकेट देयर प्लेसेस, वैकेट हैव टू वैकेट देयर होम्स, मल्टीपल चीजें, अगेन वही चीजें लिखना पड़ेगा आपको, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर ये आसान क्वेश्चन है और यहाँ पर अगेन आप क्या है एक मैप बनाएंगे और मैप के थ्रू दिखा देंगे। इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड की जा चुकी है फ्लड को लेकर के, अगर आपको प्रॉब्लम होती है यू कैन रेफर टू दैट वीडियो, बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस डज नॉट हैव एनी ट्रिकी थिंग हियर, तो कुछ भी यहाँ पर डिस्कस करने वाली चीज नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, इन तीनों का जो मतलब है वो देखिए स्ट्रक्चर एंड रिलीफ फीचर, रिलीफ फीचर एंड अगेन यहाँ पर भी रिलीफ फीचर से ही रिलेटेड है इन तीनों में। और आपको मैंने बताया था स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, जो शुरू शुरू में मैंने आप लोगों को एक वीडियो दी हुई थी जहां पर मैंने टाइम स्केल लेकर के डिस्कस किया था, दैट यू हैव टू कोट इट हियर, सब कुछ यहां पर वही लिखने की जरूरत है। तो मैंने ऑलरेडी वो स्लाइड यहां पर लगा दी है, जैसे आप लोग देख सकते हैं दिस इज अ स्लाइड फ्रॉम प्री कैम्ब्रियन से स्टार्ट करके बेसिकली आज प्रेजेंट डेट तक भी लिखी गई है, जहां पर देखिए आर्कियन में क्या क्या डेवलपमेंट हुई, धारवाड़ में क्या क्या डेवलपमेंट हुई, कड़प्पा में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, यही बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया और यही आपको लिखना है। लाइक पेनिनसुलर इंडिया में जब भी आप बात करेंगे तो आप बात कर लेंगे आर्कियन टाइम से, कि आर्कियन टाइम पे किस तरीके की सिस्टम चल रही थी, एंड देन अल्टीमेटली इंडिया जो प्लेट है वो डिटैच हो गया अफ्रीकन से एंड अल्टीमेटली इट मूव्ड टुवर्ड्स द यूरोपियन प्लेट या जो भी यूरेशिया प्लेट है। तो बेसिकली आप दिखा देंगे, ऑलरेडी जो होती है मैंने आप लोगों को डिस्कस कर ही रखा है। एंड यू कैन ऑल्सो कोट एसपी चैटर्जी का जो क्लासिफिकेशन था, इन्होंने जो डिस्कशन की हुई है उसको भी दिखा सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन राइट दिस आंसर, चाहे वो हिमालयन हो, चाहे पेनिनसुलर हो, चाहे आपकी जो भी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रो एंड सोशल फॉरेस्ट्री फेल्ड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। अब देखिए एग्रो और सोशल फॉरेस्ट्री, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका ऑब्जेक्टिव था इंक्रीज द फॉरेस्ट एरिया या फॉरेस्ट कवर, लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है, फॉरेस्ट कवर जो होता है घट रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि हमारे पास, हम लोगों ने यह मान के चला था कि जो हमारा फॉरेस्ट का रीजियन है वो हम लोग कंजर्व करके रखे हुए हैं, बाकी एडिशनल के लिए वी कैन यूज एग्रोफॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री एज अ डिफरेंट मेथड्स और अल्टरनेटिव्स टू इंक्रीज द फॉरेस्ट एरिया, बट व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड, ये जो फॉरेस्ट एरिया है यही जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, यही घट रहा है, और इसी वजह से ये जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली वो हमारा पूरा नहीं हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव बल्कि समय के साथ में अब बदल दिया जा रहा है कि एग्रोफॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री को बढ़ाते रहा जाए भले इसको घटाना पड़ जाए। तो अगेन ये इंटीग्रेट करके आप लिख सकते हैं और इसके लिए भी ऑलरेडी मैंने डिस्कशन की हुई है जो कि आप बहुत आराम से देख करके उस चीज को लिख सकते हैं। अर्थक्वेक के बारे में भी सेम वही प्रॉब्लम, सेम वही डिस्कशन जो फ्लड में हम लोगों ने किया वैसे ही एकदम लिखना है, बस आपको अर्थक्वेक का कंटेंट लिख देना है। लास्टली ड्रेनेज को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है जहां पर हिमालयन रिवर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में है, एग्जामिन देयर रोल इन इंडियन प्लेन, ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, फिर उसके बाद से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीसीडेंट ड्रेनेज। ये भी अगेन वही टेक्निकल क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है जिसको कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आई गेस अब आप लोगों को एक कंफर्टेबिलिटी आ गई होगी कि कैसे हमें
इन क्वेश्चंस के आंसर लिखना होगा। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को लिखिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम फेस होगी तो ऑब्वियसली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस चीज को गाइड कर दूंगा। तो फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं एंड अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इन चैनल्स का यूज करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अब हम लोग तो स्टार्ट कर दिए हैं रिसोर्स को लेकर के। नेक्स्ट डिस्कशन विल बी बेस्ड ऑन द इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्री को हम लोग कंप्लीट करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फिनिश इट द होल पेपर टू बाय 15th ऑफ अगस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।